गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। माय नेम इज हितेश होगा और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं हर दिन आपके पास आऊंगा एक नया आर्टिकल लेकर, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके पास हैटिक सॉफ्ट क्लोज हिंज के साथ, जिसके फीचर इस टाइप से हैं। स्टैंड अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिशन, हैटिक जो एक ब्रांड है ये सिर्फ हिंज नहीं बनाते, बहुत सारे आर्टिकल्स बनाते हैं और इसको लेस वर्क, इट मीन्स इसको असेंबल करने के लिए आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ईजी टू असेंबल है। मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इट मीन्स चाहे आपकी कंट्री का वेदर +5°C हो या 40°C हो, ये दोनों वेदर्स में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। रिड्यूस कॉस्ट, इट मीन्स आपके सबसे पहले हिंजेस आप लगाते थे 2 या 3, अब उसकी जगह सिर्फ आपको 1 इंच इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ये कई टाइप्स के आते हैं जिसमें से एक है 110° ओपनिंग एंगल, इस हिंज का ओपनिंग एंगल है 110°। उसके बाद आता है फॉर डोर थिकनेस 15 से 24 mm, अगर आपके डोर की थिकनेस 15 से 24 mm है तो ही ये सक्सेसफुल होगा। उसके बाद इसका जो मटेरियल है स्टील मटेरियल में आपको ये अवेलेबल होता है। और इसके नीचे आते आप देखते हैं कि फुल ओवरले, हाफ ओवरले और इनसेट, इट मीन्स फुल ओवरले इट मीन्स 0 क्रैंक, हाफ ओवरले इट मीन्स 8 क्रैंक और इनसेट मीन्स 15 क्रैंक। इसके बाद आपका आता है 95° ओपनिंग एंगल, पहले मैंने आपको बताया था कि 15 से 24 mm के थिकनेस के लिए वो अलग हिंज है और ये 15 से 32 mm के लिए, इट मीन्स थिकनेस, आपके डोर की थिकनेस बढ़ गई तो आपको हिंज ये वाला ही लेना होगा, ना कि 24 mm वाला। सेम इसका भी मटेरियल स्टील में आता है और इसमें भी 3 टाइप के होते हैं, 0 क्रैंक, 8 क्रैंक, 15 क्रैंक, फुल ओवरले, हाफ ओवरले और इनसेट। इसके बाद आपके हिंजे आते हैं 165° कॉर्नर, 165° ओपनिंग एंगल का एक हिंज आता है और एक एल्यूमिनियम फ्रेम में जो लगता है एक वो हिंज आता है, इसका हिंज अलग होता है, वुडन फ्रेम के लिए अलग है, एल्यूमिनियम फ्रेम के लिए अलग है। अब जो 165° वाले ओपनिंग एंगल के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये 15 से 32 mm तक कवर करता है, इसमें 24 mm और 32 mm के लिए अलग अलग नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही इंच है और 15 से 32 mm तक कवर करेगा। ये भी स्टील बॉडी में आता है और इसकी जो एडजस्टमेंट होती है +2 mm -2 mm, यानी कि 2 mm की एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। और इसमें सिर्फ 2 टाइप के आते हैं, फुल ओवरले और हाफ ओवरले, इट मीन 0 क्रैंक और 8 क्रैंक। इसके बाद आता है पाई हिंज, इसका ओपनिंग एंगल 95° होता है, ये भी सेम 15 से 28 mm के लिए एक ही हिंज है, इसमें भी थिकनेस सेम वही -1 और -2, +1 और -2 आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सेम स्टील में आपको मिलेगा और इसमें सिर्फ एक ही आता है मॉडल जो आता है इनसेट, यानी कि 15 क्रैंक। ये उसकी असेंबली दिखाई गई है कि हाउ टू असेंबल। उसके बाद आता है 95° ओपनिंग एंगल, वही एल्यूमिनियम फ्रेम का, ये इसके लिए आपको वाइड एल्यूमिनियम फ्रेम जो चाहिए वो सिर्फ 19 mm होनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट, जो एल्यूमिनियम फ्रेम जो है वो 19 mm के लिए ये वाला हिंज आपको अवेलेबल होगा मार्केट से। इसमें सिर्फ फुल ओवरले होता है, यानी कि 0 क्रैंक। इसको कैसे इंस्टॉल करना है ये दिखाया गया, जिसमें एक एल्यूमिनियम फ्रेम दिखाया गया, उसमें कटिंग करनी है आपको उसी हिंज के हिसाब से, वो सारी डायमेंशंस आपको वहां पर पता लगेगी, हिंज के अंदर डिस्क्रिप्शन दे रखी होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 165 डिग्री हिंज, 165 डिग्री हिंज और कॉर्नर हिंज, इसमें आप देखिए ये दोनों मिलाकर ही आपका एक कॉर्नर बनता है, इसके बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है, ये पूरा एक तरह से अलग अलग ही पैकिंग आती है, लेकिन आपको ये दोनों एक साथ लेना होगा अगर आपका कॉर्नर कैबिनेट है, ये यहां पर इंस्टॉल होता है और ये यहां पर इंस्टॉल होता है। और इसके कवर कैप्स इस टाइप से हैं, आपको कवर कैप मिलता है, आपको कवर कैप
इस टाइप के मिलते हैं, ये पांच टाइप के कवर कैप आपको इसमें अंदर मिलते हैं। बस थैंक यू वेरी मच।